प्राकृतिक सुंदर कृति के सहजबा में कतेको दशक लग जाते छे, मुदा ओकरा उजारबा में कनियो समय नहीं लगे छे। एखन पिछला कतेको दिन से हम सब भारतक एकटा एहने प्रकृति प्रदत्त नगर के जमीन में धसल चल जेबाक खबर के देख आ सुन रहल छे। हाँ, आइ हम ओहि नगरक स्थापना से लक ओकर विस्थापन आ विनाश धरिक सबटा पिहानी अपने सभक समक्ष राखब। नमस्कार, हमर नाम अछि गुंजन श्री आ अहाँ सब देख रहल छी मिथिला चैप्टरक साप्ताहिक शो समय संदर्भ। एहि शो में हमरा लोकनि गप करैत छी एखनुक समय से संदर्भित मुद्दा पर विथ फैक्ट्स एंड फिगर। हम गप कर रहल छी जोशी मठक माने ज्योतिर्मठक प्राकृतिक आँचर में स्थित उत्तराखंड राज्यक चमोली जिलाक एकटा प्राकृतिक सुंदरता से भरल पुरल शहर अछि जोशीमठ। जोशीमठ के पौराणिके काल से स्वर्गक द्वार कहल जाइत रहल अछि। किछु विद्वान लोकनिक मत तऽ इहो छनि जे जखन पांडव लोकनि अपन राजपाट छोड़ि कऽ स्वर्ग जयबाक निश्चय कयलनि तऽ ओ लोकनि जोशीमठक बाटे अपन रास्ता चुनलनि। जोशीमठ के पार कयलाक बाद फूलक एकटा सुंदर सन हरियर कचोर घाटी अबैत अछि जकर सुंदरता स्वर्ग सनक अछि। प्रायः यह कारण अछि जे जोशीमठ के स्वर्गक द्वार सेहो कहल जाइत रहल अछि। जँ बात जोशीमठक भौगोलिक बनावटक कयल जाय तऽ हिमालयक कछेर में बसल जोशीमठक उत्तर पश्चिम में बद्री पर्वत जेकि 71,000 फीट लगभग अछि आ उत्तर में कामेट पर्वत जेकि 7,750 फीट पर ठाढ़ अछि। ई शहर अलकनंदा नदीक बामा कात स्थिर अछि आ समुद्र तल से एकर ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर अछि। जोशीमठ भारतक सबसे बेसी भूकंप प्रभावित जोन 5 में अबैत अछि। साल 2011क आंकड़ाक अनुसार जोशीमठक लगभग 4,000 घर में 17,000 लोक रहैत छलाह। ई आंकड़ा आब बढ़िकऽ लगभग दुगुना भऽ गेल अछि। पहाड़क कोरा में बैसल एहि शहरक महत्व जतबे आम आदमीक लेल अछि ओतबे भारतीय सेनाक लेल सेहो अछि। जखन 1962 में चीन संग भारतक युद्ध भेल छल तखन भारतीय सेना जोशीमठ में आबि कऽ रुकल छल। सीमा पर देशक सुरक्षा में रत आर्मीक कैंप सेहो जोशीमठ में अछि। जँ बात वर्तमान हालतक करी तऽ एतहुक जमीन में आयल दरार, जमीन धसबाक घटना आ विस्थापन सगरे देश के चिंतित केने अछि। कतेको स्थान पर देवाल फटबाक घटना, भूस्खलन, दुकान आ मकान के खसबाक घटना सेहो भेल अछि। हार तोड़ झार में ओहिठामक लोक के अपन घर से विस्थापित होबय पड़ि रहल अछि। उम्मीदक ईटा पर ठार स्वप्नक महल के अनचोके दरकैत आ चटकैत देख कऽ स्थानीय लोक सब में डर आ चिंता अछि। हुनका लोकनिक आँखिक नोर प्राकृतिक विनाश लीलाक कथा कहैत अछि। आई हमरा अहाँ के डुबा देबाक लेल पर्याप्त अछि। हुनका लोकनिक घबराहट आ परेशानी हमसब अपन शब्द आ वीडियो में कतबो समेटबाक प्रयास करी, मुदा विपत्तिक पहाड़ जकरा ऊपर बजरैत छै ओ बाहर आ भीतर दुनू दिस से टूटि जाइत अछि। और पुलिस के दादाजी पूछ रहे थे जिसकी चाचा की तबीयत खराब हो गई। क्या करूं मैं, हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। मनुष्य होबाक जिम्मेदारी कारण हमरा लोकनिक ई जिम्मेदारी अछि जे कोनो घटना वा एहन अप्रत्याशित स्थितिक लेल जिम्मेदार व्यक्ति, शासन वा सिस्टम से प्रश्न करी। आइ सबसँ आगू निकलि जेबाक देखसीमे हमरा लोकनि अपन धरोहर के कोना धराशायी कऽ रहल छी से एकटा चिंताक विषय अछि। ई मात्र जोशीमठक परिप्रेक्ष्यमे नहि अछि अपितु कोनो प्रकृति प्रदत्त शहर, कस्बा आ गाम लेल अछि। किछुए दशक पहिने मिश्रा कमिश्नक रिपोर्ट में जोशीमठ में जाहि काज सबके नहि करबाक लेल कहल गेल छल वह काज सब होइत रहल लगातार अनवरत। आर्मीक लेल एस्टेब्लिशमेंट बनायल गेल, ITBP कैंप बनल, ओली में कंस्ट्रक्शन भेल, बद्रीनाथ जायवला यात्री लोकनिक लेल पैघ पैघ होटल सभक निर्माण कयल गेल, तैं जोशीमठक स्लोप पर खूब छेड़छाड़ भेल।
ड्रेनेजक व्यवस्था नहीं रहबाक कारणे होटल आ घर से निकले वाला पानी स्लोप के धीरे धीरे खोखला बना देलक। एहन दर्जनों काज आइयो प्रगति में अछि जाहि से जोशी मठक अस्तित्व आब विनाशक द्वार पर सीधा सीधी ठाढ़ भ गेल अछि। एहि सभक बीच एहि क्षेत्र में रहय वाला लोक सब सेहो एकटा चूक केलनि अछि। व्यापार आ धनोपार्जन करबाक होर में एक से एक विशालकाय भवन आ होटलक निर्माण क जमीनक बोझ के बढ़ा देल गेल अछि अनावश्यक रूप से। एकर भौगोलिक बनावटक अनुसार एकरा मात्र एकटा गाम बनल रह देबाक चाही छल, मुदा से भेल कहाँ। एतेक बातक बादो प्रश्न त यह उठैत अछि जे आब की जोशी मठ के बचाल जा सकैत अछि, कि शासन आ प्रशासनक भागीदारी से स्वर्गक ई द्वार बंद जे भेल रहल अछि से खुजि सकत। आबय वाला दिन में एहि प्रश्नक उत्तर कदाचित भेटियो जायत, मुदा जे नहीं भेटत ओ अछि जोशी मठक स्थानीय लोक के हुनक गाम घर। विस्थापित होइत लोकक की घर आ की गाम, आजो भेटियो जाइन हिनका लोकिन के कोनो ठाम त की ई लोकिन ओहि गाम घर के अपना जकाँ बुझि सकता, वा ई गाम घर हुनका अपना जकाँ बुझि सकतनि। सरकार आ प्रशासनक त एखन प्राथमिकता आवश्यकता इएह होबाक चाही जे ओहि ठामक लोकवेद के कतेक हद तक सुरक्षित कयल जाय, सुरक्षा देल जाय, जीविकोपार्जनक लेल समुचित व्यवस्था कयल जाय, उदासी से उतर गेल मुँह पर मुस्की आनल जाय, छोट छोट नैना अपना वयसक अंतिम पड़ाव में आबि गेल बुजुर्ग लोकन के भरोस आ विश्वासक थोड़ेक जमीन देल जाय, मुदा से की भ सकत। की लगैत अछि अहाँ के से नीचा कमेंट बॉक्स में लिख कर पठाबी। अगला एपिसोड में पुनः भेंट होइत अछि कोनो समय संदर्भित विषयक संग। ता धरि एहि वीडियो के लाइक आ शेयर करी आ मिथिला चैप्टर चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद, नमस्कार।